नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शुभेंदु अधिकारी बोले, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। 10 साल बाद अब नारे का पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विरोध किया है। उन्होंने बुधवार 17 जुलाई को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए। अधिकारी ने कहा, आप बीजेपी नेता सभी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हम यह नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे जो हमारा साथ हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो, अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जरूरत नहीं। अधिकारी ने कहा कि हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। मैंने राष्ट्रवादी मुसलमान के बारे में बात की, आप सभी ने नारा भी दिया कि सबका साथ सबका विकास। उसके बाद शुभेंदु ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, अब हम ये सब नहीं कहेंगे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में मिली हार। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में बीजेपी के खाते में केवल 12 सीटें आईं। 2019 में 18 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी को इस बार 6 सीट का नुकसान हुआ। टीएमसी को 29 सीट, कांग्रेस को एक और। कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ी, सीपीआईएम ने एक जीत हासिल की थी।